हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए बात करते हैं भर्ती की। तो जो हमारी एंट्री हुई थी वो 4 बजे हुई थी। उसके बाद सबको ट्रेड वाइज बताया गया। जब हमारी बारी आई रनिंग की तो उस समय 9 बज चुके थे। अलग अलग स्टेट से बहुत सारे बच्चे आए थे, खाली उत्तराखंड से ही 8000 बच्चे उत्तराखंड से ही आए थे। तो इस वजह से जो बैच बना था वो 300 का बैच बना। जो हमारा बैच बना था उसमें बच्चे बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने गो बोला तो एक बच्चे ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया था। लगभग 20 बच्चे मेरे ऊपर से गए थे, किसी ने सर में पैर रखा, किसी ने पैर में। तो जैसे ही मैं उठा तो सारे बच्चे 100 मीटर दूर जा चुके थे। तो फिर भी मैं दौड़ ही गया था, लगभग 50 मीटर रह गया था। फिर मैंने बाद में देखा मेरे सर और हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ रखी है। तो बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि नहीं निकला करके, क्योंकि मैंने कोशिश की थी इतने लगने के बाद भी, पर बुरा इस बात का लगा कि अब घर कैसे बताऊं कि इस बार भी नहीं निकला करके। तो मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया कि नहीं निकल पाया करके। पापा को तो क्या कहता है, पापा तो यही सोच रहे थे कि निकल ही जाएगा इस बार। तो खाली फिर उनको बाद में बताया कि नहीं निकला करके, तो वो भी बोल रहे थे इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं निकला करके। पापा डांट क्या रहे थे, बस हौसला दे रहे थे कि अभी बहुत कुछ है करने को। उसके बाद मैंने मेडिकल करवाया अपना, थोड़े पट्टी वट्टी लगवाई और उसके बाद हम गए हरिद्वार। बस तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। ना रेलवे स्टेशन गए थे पहले, अभी बस स्टेशन आ रखे हैं। अभी ट्रेन 1 बजे की है, अभी 12 बज रखे हैं, इसलिए हम बस से ही जा रहे हैं और दौड़ नहीं निकल पाई। अब अगली बार कोशिश करेंगे। चलिए, मेरी चोट भी लग गई थी इसलिए थोड़ा रह गया मैं, 50 मीटर रह गया। चलिए अगली बार कोशिश करते हैं। चलिए खाना आ चुका है, हम खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। हम अभी खाना खा लिया हमने, अभी हम ठंडा पानी पी रहे हैं, ये तैयार हो रहा है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये है यहाँ का बाहर का व्यू रेलवे स्टेशन का। ये मेन रोड है और ये अंदर रेलवे स्टेशन है। ये है यहाँ का बस स्टेशन। अभी इतनी भीड़ लग रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी हल्द्वानी के लिए बस 3 बजे है, तब तक हमें वेट करना है। तो गाइस अभी हमको कोई भी बस नहीं मिल रही है, 3 बजे की बस है, तब तक हमें वेट करते हैं यहाँ पे, कहीं बैठते हैं। अभी हम लोग बैठ रखे हैं मुरादाबाद के लिए ट्रेन में। ये ट्रेन देहरादून से आ रही है और सारे बच्चे यहीं पे बैठ रखे हैं, हम ऊपर वाले शेल्फ में बैठ रखे हैं। हम पहुंच चुके हैं अभी मुरादाबाद। हमने हरिद्वार से मुरादाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी थी, अभी हम मुरादाबाद पहुंच रखे हैं। अभी हम हल्द्वानी की ट्रेन देख रहे हैं, यहाँ से कोई है तो उसमें बैठेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो बस में जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको। यहाँ पे मुरादाबाद के स्टेशन में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पंखा है, और ये सबसे बड़ा पंखा है जो मैंने आज तक पहली बार देखा है। आपने भी शायद पहली बार देखा होगा, ये देखिए। अभी हम लोग बस में जा रहे हैं, एक ऑटो ढूंढ रहे हैं बस स्टेशन के लिए, क्योंकि मुरादाबाद से जो बस स्टेशन है वो दूर है, इसलिए ऑटो ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे ट्रेन है नहीं अभी फ़िलहाल, और वो है 8 बजे। चलिए हम बस से निकलते हैं क्योंकि हम जल्दी बस से पहुँच जाएंगे। चलिए अभी हम लोग बस स्टैंड पे आ गए हैं मुरादाबाद के। अब यहाँ से हल्द्वानी के लिए बस पकड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि शाम के 7 बजने वाले हैं और हम यहीं हैं। अभी 3-4 घंटे लगेंगे हल्द्वानी पहुँचने में। चलिए तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी अपने घर, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक इट हियर एंड यू एंजॉय इट। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी थोड़ी यहाँ लग रखी है सर में, और पैर में तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, दिखा नहीं सकता आपको क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। हालत ख़राब हो रखी है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, ऐसी है।